टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एनएसवाई का हल्ला बोल, ऑनलाइन परीक्षा के मांग को लेकर तालाबंदी और घेराव किया गया। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव और तालाबंदी किया। विदित हो कि बीटेक सत्र 18-22 के सातवें सेमेस्टर के लगभग 5,000 विद्यार्थियों का ऑफलाइन परीक्षा लेने की तिथि घोषित कर दी गई है। जब ऑनलाइन क्लास लिया गया और यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए परीक्षा फॉर्म में सभी ने ऑनलाइन भरा है, तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों? विदित हो कि और भी दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे कि BIT मिश्रा, NIT जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी में सातवें सेमेस्टर की ऑनलाइन या असाइनमेंट बेस में परीक्षा लिया जा रहा है, तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जो छात्रों की तरफ से उठाया गया है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग भी की गई है और जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए। साथ ही डिप्लोमा के सेकेंड और थर्ड और फिफ्थ के विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा देने की मांग भी की गई है। एक घंटे तक तालाबंदी और प्रदर्शन करने के बाद यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति ने एनएसवाई के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में फैसला हुआ कि आगामी 17 तारीख को बोर्ड की बैठक में छात्र हित में फैसला लिया जाएगा। प्रभारी कुलपति के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। मौके पर इंदरजीत सिंह ने कहा कि अगर 17 को छात्र हित में फैसला नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। मौके पर इंदरजीत सिंह, अमन यादव, आकाश बाबा, संजीव, विक्की, राजू, राहुल और प्रत्येक कॉलेजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।